व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ जी आ जाओ बेटा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, वेरी गुड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोड? टाइप. तो ये बताओ कि हमने अलग अलग प्लांट्स के मोड्स किए थे, तो कौन सा स्पेशल जो सबसे ज्यादा यूज किया हुआ जो प्लांट्स है वो सबसे ज्यादा टाइप ऑफ न्यूट्रिशन जो है उसे अब्सॉर्ब करते हैं. अलग अलग टाइप्स के हमने किए थे ना प्लांट्स, कि प्लांट्स में जो न्यूट्रिशन लेने का तरीका है वो अलग अलग है, राइट? तो सबसे जो ज्यादा न्यूट्रिशन अब्सॉर्ब करते हैं प्लांट्स वो किस वे से करते हैं, किस तरीके से करते हैं? सेवेंथ ए, सेवेंथ बी, रेज योर हैंड्स फॉर दिस. कौन कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन किए थे हमने, ये याद है? यस, लास्ट रो लास्ट बॉय सेवेंथ ए, लास्ट रो लास्ट बॉय सेवेंथ ए. He rose his hand. Then, if he is not able to answer, then second row, second last bench पे जो लड़का बैठा है, जिसने हाथ खड़े किए with turban, he may come. Yes, you only, third last bench. Third last bench, who is turning back? Yes, you. हाँ जी बेटा. बेटा, hold it in your hand. Hold the mic in your hand. Clap for this boy. Autotrophic mode of nutrition. Very good. Seventh B. फिर lag behind हो गए आप. Seventh A जीत रही है. तो कौन सा mode है? Autotrophic mode of nutrition. चलिए आगे. Okay. So, ma'am, she told you people to open the assignments. Did you all open? On the top, it must be written concept application sheet. Is this the same assignment which I have? Fine. So, the very first question is, should be a fungus and a tree are communicating with each other. जब हम कहते हैं communicating with each other, that means एक क्या है दूसरे के ऊपर dependent है, और communication one sided नहीं होगी. Communication हमेशा क्या होती है, dual sided, double sided. ठीक है, यानी अगर fungus कुछ plant के लिए कर रहा है, tree के लिए कर रहा है, तो tree भी in return कुछ ना कुछ उस फंगस के लिए कर रही होगी, राइट? फंजाई इज द प्लूरल फॉर्म ऑफ फंगस. इज रिक्वेस्टिंग द ट्री टू गिव सम शेल्टर, बट द ट्री रिफ्यूजेस. ओके, ट्री रिफ्यूजेस बिकॉज इट इज फियरफुल ऑफ सम डिजीज. फंजाई टोल्ड समथिंग टू अ ट्री, आफ्टर विच द ट्री गिव होम टू फंजाई इन इट्स रूट्स. What did the fungi tell the tree? हाँ जी, क्या बोला होगा फंजाई ने ऐसा ट्री को, कि ट्री although वो डर रही थी, स्केयर थी, कि भाई फंगस तो खराब होता है ना. इट्स तुमने पढ़ा होगा ना कि फंगस इज नॉट एट ऑल गुड. ब्रेड मोल्ड के बारे में पढ़ा होगा कि हाँ भाई हर चीज को क्या कर देता है, खराब कर देता है. तो उसने ट्री को ऐसा क्या कहा कि ट्री उसको फटाफट उसने रूट में उसको जगह दी. Quickly, हाँ जी, टिक टिक वन, टिक टिक टू. ओके, सेकेंड रो लास्ट गर्ल सेवेंथ बी. द गर्ल, यस प्लीज कम आउट बच्चा. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. क्लैप फॉर अल्फॉर्म माइकोरिजा. अल्फॉर्म माइकोरिजा. माइकोरिजा इज अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, कम्युनिकेशन बिटवीन ट्रीज एंड
फंजाई, ठीक है, उसके बदले फंगस को क्या करता है, वो शेल्टर प्रोवाइड करता है, और फंगस क्या है, उसको न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करके देती है, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन, क्वेश्चन सेवेंथ ए, सेवेंथ बी ने अकाउंट खोल लिया एंड इट्स विनिंग। फार्मर वन हैज मोर लैंड, ठीक है, यहाँ पे दो फार्मर या तीन फार्मर भी हो सकते हैं, आई डिडंट रीड। सो फर्स्ट पार्ट क्या है, फार्मर वन हैज मोर लैंड, ही ग्रोज ओनली वीट एंड राइस, क्या ग्रो करते हैं वो, वीट एंड राइस, बट स्टिल हैज लेस इनकम, ठीक, वीट भी ग्रो कर रहे हैं, राइस भी ग्रो कर रहे हैं, लेकिन इनकम क्या है बेचारे की, कम। फार्मर टू हु हैज लेस लैंड ग्रोज वीट अलोंग विद बीन्स, द रीजन इज, अब यहाँ पे थोड़ा सा है कि फार्मर टू के पास लैंड तो कम है लेकिन फिर भी उसकी इनकम अच्छी है क्योंकि वो वीट के साथ बीन्स भी ग्रो करता है, ये बताओ क्यों। हाँ जी, क्विज कमिंग, सेवन ए सेवन बी, जल्दी क्लैप एंड आंसर, क्लैप एंड आंसर, कौन है ये, सेकेंड रो सेकेंड गर्ल, सेकेंड सेकेंड बेंच, बेटा पहले भी आ चुके हो, लेट बच्चा यू हैव ऑलरेडी आंसर्ड, लेट द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू आंसर दिस, शी आल्सो रोज हर हैंड, सेवन बी, वेरी गुड, प्लीज कम आउट। मैम ऑप्शन है ऑप्शन ए कंज्यूम न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, ठीक है, क्या ऑप्शन बी नहीं हो सकता, हाँ जी, क्या बीनी के लिख सकते हैं हम, रीजन लिखना है ना बेटा, तो रीजन क्या आ जाएगा, दोनों के दोनों रीजन सही है। अब देखो ध्यान से, अगर हम राइस और वीट की बात करें, किसकी बात करें, राइस एंड वीट, तो ये सारे के सारे जो है ये सेम न्यूट्रिएंट अब्सॉर्ब कर रहे हैं, वेयर एज जो हमारा बीन्स है ये क्या कर रहा है, ये प्रोटीन्स दे रहा है, क्या दे रहा है, प्रोटीन्स, और प्रोटीन्स के लिए मेन कंपोनेंट क्या है, N2, प्रोटीन के लिए मेन कंपोनेंट क्या है, N2, राइट, और ये जो है हमारा ये क्या ले रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, और कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मेन कंपोनेंट क्या है, जल्दी, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इसके अलावा बहुत सारे शुगर कंपोनेंट्स हो गए, फास्फोरस हो गया, है ना, ये सारी की सारी चीजें क्या है, राइस एंड वीट को चाहिए एज अ न्यूट्रिएंट, और इसको सिर्फ क्या चाहिए, नाइट्रोजन, राइट, तो यहाँ पे ऑप्शन ए के साथ ऑल ऑफ द अबव चला जाएगा क्योंकि हमने सिर्फ लेस इनकम की बात नहीं करनी कि भी फार्मर वन को लेस इनकम क्यों हो रहा है, हमने रीजन ये भी बताना है कि दूसरे को मोर क्यों हो रहा है ना, गेटिंग माई पॉइंट, व्हाट विल बी द आंसर, ऑल ऑफ द अबव। चलिए थर्ड क्वेश्चन, नाउ आई हैव बिकम एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है, इंस्टेड ऑफ योर टीचर मैं क्या बन गई तुम्हारे लिए, ऑर्गेनिज्म, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, सच काइंड ऑफ क्वेश्चन कम्स इन द एग्जामिनेशन, आई एम द ऑर्गेनिज्म दैट इज फॉर्म ऑफ टू पार्टनर्स, ओके, कौन किस टाइप की ऑर्गेनिज्म हूं मैं, आई एम फॉर्म विद टू पार्टनर्स, वन ऑफ द पार्टनर्स फॉर्म्स अ शेल्टर एंड द अदर पार्टनर फॉर्म्स फूड, एंड दस द टू कोलैबोरेट टू फॉर्म मी, हु एम आई, सेकेंड गर्ल हैज ऑलरेडी, ये पहले भी खड़ा हुआ था, फर्स्ट रो लास्ट गर्ल, यस कम आउट बेटा, लास्ट लास्ट, बिल्कुल बिल्कुल कम आउट, सेवेंथ ए, जल्दी आ जाओ जल्दी, विच वन, सी सी इज द करेक्ट आंसर, सी इज द करेक्ट आंसर, लाइकन, और लाइकन को हम क्या कहते हैं, ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप से बना है, किससे बना है,
सिम्बायोटिक रिलेशनशिप. बेटा जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मैं प्रोवाइड कर रही हूँ, कीप राइटिंग डाउन ओवर देयर एंड लीव इट पेंसिल. ओके, इट विल एड ऑन टू योर नॉलेज एंड यू विल बी सरप्राइज टू नो जो एसिड पर बेस का एक चैप्टर आएगा तुम्हारे बुक में, इसमें ना तुम लोग लिटमस टेस्ट करते हो. लिटमस पेपर का नाम सुना है? और ये जो लिटमस बना हुआ है ये इन्हीं लाइकन से ही बना है. लिटमस किससे बना है? लाइकन्स. एंड लाइकन इज द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन एल्गे एंड फंजाई. क्लियर टू ऑल ऑफ यू? चले आगे. नाउ देयर इज केस बेस्ड. लेट्स सी हु इज द फर्स्ट वन टू सॉल्व वाटर क्वेश्चन. क्विकली वाला वर्कआउट करो. अच्छा ये कर लिया, ए लग रहा है. सेवन तो पूरी के पूरे ऑप्शंस डिस्कस भी कर रही है. ए लग रहा है, बी लग रहा है. ये इसका नाम क्या? ये बार बार हाथ खड़े कर रही है. बेटा आपने बहुत सारे आंसर्स किए हैं. आई एम नॉट कॉलिंग यू अगेन एंड अगेन बिकॉज आई वॉन्ट अदर्स ऑल्सो टू गेट चांस. आई होप यू अंडरस्टैंड. देन आई अप्रिशिएट दैट एवरी टाइम यू रेज योर हैंड. सेकेंड रो लास्ट गर्ल. Did you get chance to come out? 7th B. Did you get chance to come out? Yes. Okay. Then please, beta, let others come out. Okay. I want all of you to participate in. Right. Third, fourth bench, last row, there is a girl who rose her hand from 7th B. As well as third bench, pe, ek turban mein boy hai. He also rose his hand from 7th B. Dono bahar aajo. Dono aajo. Third bench as well as fourth bench. Fourth bench par ek ladki ne bhi haath khade kiya na beta. Aajo beta. Ma'am option B. Did you all get chance? Ma'am option B. Option B kiska? The absorbable form of nitrogen by plants is. You said option B. Very good. It is a correct answer. Nitrates is the करेक्ट आंसर. वेरी गुड. आप अपनी सीट पे चले जाइए. नेक्स्ट आंसर नेक्स्ट बच्चा बोलेगा. बेटा एक और ऐड कर लो अपनी डिक्शनरी में. ऑप्शन यहाँ पे नाइट्रेट्स का गिवन था. अगर तुम्हारे इसमें ऑप्शन जो है वो नाइट्राइट्स भी दिया हो देन ऑल्सो इट इज करेक्ट. तो जो अब्सॉर्बेबल फॉर्म होता है वो नाइट्रेट्स एज वेल एज नाइट्राइट्स होता है. डिड यू ऑल ऐड? चले आगे. चले आगे. प्लांट्स को ये नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स बनाकर कौन देता है? राइजोबियम. हाँ जी. द सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इज. वो चारों ही चले गए अपनी सीट पे. मैंने चारों को खड़ा किया था भाई आ जाओ वन आफ्टर अनदर आंसर दो. वो जाकर अपनी सीट पर बैठ गए. सेवन बी. सेवन ए का भी टीम बना देते हैं. ये फर्स्ट बेंच पर जो बॉय है आजो बेटा बाहर. लास्ट रो सेकेंड बेंच पर जो टर्बन में है बच्चा बाहर निकलो. और जिनको प्लीज बेटा चांस मिल गया है वो मत आना. हाँ जी. लास्ट रो सेकेंड बेंच पे जो बच्चा है टर्बन में. फर्स्ट रो सेकेंड बेंच पर जो लड़की है प्लीज कम आउट. यस 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 यू कम आउट. चार बच्चे हो गए. एक दो तीन चार. सेवेंथ बी. Speak the answer. Number A. Option number A is correct. Even all of these bhi ho sakta hai. Azovector bhi kaam karta hai as well as. ठीक है. Right. हाँ जी. क्या है आंसर? एजोबैक्टर और राइजोपस ये भी है ऑप्शन में. तो एजोबैक्टर ऑल्सो यू कैन ऐड. राइट. बट देन इस लेवल के लिए राइजोबियम इज मोर देन सफिशियंट. ठीक है. हाँ जी. सी विच लास्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग कैन ओनली अब्सॉर्ब N2 फ्रॉम द एयर. ये स्पीकअप. 7B. ऑल प्लांट्स. All plants is, I afraid, it's wrong answer, bacha.
I'm afraid it's wrong answer. अभी तो हमने पहले क्वेश्चन में किया था कि प्लांट्स कैन नॉट अब्सॉर्ब डायरेक्ट नाइट्रोजन. यस सेवन थे इफ यू आर एबल टू आंसर. यस बच्चा स्पीकर ऑप्शन बी. आई एम अफ्रेड बच्चा दैट्स ऑल्सो रॉन्ग. अब एबीसीडी सारे बोल दो, कोई ना कोई तो करेक्ट होगा, है ना मैम. ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर. क्लैप फॉर हर. वेरी गुड सेवन थे. ऑप्शन डी इज करेक्ट. वाई ऑप्शन डी इज करेक्ट? ओनली एन टू फिक्सिंग. हम बार बार फोकस करें नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया. अगर याद कर पाता तो हम नाइट्रोजन फिक्सिंग वर्ड के ऊपर क्यों फोकस करते हैं? And only nitrogen fixing bacteria can absorb nitrogen or absorbable form mein plants ko provide karte hain. Theek hai, chaliye, very good bacha. Pat your shoulders, those who stood up and came over here. Be seated. B1 Q. I don't like sounds. ठीक है, टिल वी डोंट इंस्ट्रक्ट यू शुड वी मूव अहेड. अब इंटरेस्टिंग वाला क्वेश्चन है और इसको कहते हैं असर्शन एंड रीजनिंग. अब ध्यान से समझना असर्शन और रीजनिंग में करना क्या होता है. शुड आई रब व्हाट एवर आई हैव रिटन ओवर हियर. आई होप यू पीपल हैव नोटेड डाउन. रब कर दें इन सबको. असर्शन की जो स्टेटमेंट होती है ना, असर्शन का मतलब होता है जस्ट एक स्टेटमेंट. ठीक है, अब इसको ना एज अ क्वेश्चन समझो. क्या समझना है तुमने? क्वेश्चन. और कौन सा वाला क्वेश्चन? वाई वाला क्वेश्चन. तो जब तुम्हारे पास असर्शन का स्टेटमेंट गिवन है, जो मर्जी स्टेटमेंट गिवन हो, राइट, क्या करना है? लेट इट बी दिस इज योर स्टेटमेंट ऑफ असर्शन. यहाँ पे लास्ट में ना एक वर्ड लगा लिया करो अपनी तरफ से, बिकॉज. क्या लगाना है तुमने? बिकॉज. और उसके बाद यहाँ पे जो रीजन लिखा है इसको जस्ट रीड कर लो. एज अगर हम पहले क्वेश्चन की बात करें, सेप्रोट्रॉफ्स परफॉर्म एब्सॉर्प्टिव न्यूट्रिशन. ठीक है भाई, सेप्रोट्रॉफ में क्या होता है? जो न्यूट्रिशन है, जो डाइजेशन है, वो बॉडी के बाहर ही हो रही है और वो क्या करता है? उसको जस्ट अब्सॉर्ब करता है. जो न्यूट्रिएंट्स उसको मिले हैं वो क्या करता है? अब्सॉर्ब करता है. स्टेटमेंट बिल्कुल सही है? स्टेटमेंट सही है? थम्स अप कर दो अगर सही लग रही है तो. अगर स्टेटमेंट सही लग रही है तो थम्स अप कर दो. ओके फाइन. नाउ अब यहाँ पे अपने पेंसिल से या दिमाग में ऐसे बिठा कर रखो, बिकॉज लिख लो यहाँ पे. क्या लिखोगे? बिकॉज. अब क्यों अब्सॉर्ब करती है? इसलिए अब्सॉर्ब करती है. रीजन क्या है मैं आपको बताती हूँ. अब्सॉर्ब इसलिए करती है कि भाई डाइजेशन उसकी बॉडी में हो नहीं सकता, वो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिजम्स को ही खाती है, तो डेड एंड डिकेइंग तो पहले ही अब्सॉर्ब हो गए, तो इसीलिए वो अब्सॉर्प्टिव फॉर्म में ले. क्लियर? रीजन जो अब बिकॉज करके इसको रीड करना. कस्कट्टा इज सेप्रोफाइट. क्या कस्कट्टा सेप्रोफाइट है? देन व्हाट इट इज? इज द करेक्ट आंसर. 7B. आई लव यू ऑल. ठीक है, अपने अपने शोल्डर्स को ऐसे पैक कर लो, बिकॉज दैट वॉज अ कंबाइंड आंसर एंड वेरी गुड आंसर. सेप्रोफाइट को वहां पे अंडरलाइन कर लो, ऊपर में लिखो इट्स अ रॉन्ग स्टेटमेंट, वहां पे पैरासाइट लिख लो. तुम्हें पता होना चाहिए कि सही क्या है और गलत क्या है. ठीक है, तो इट्स नॉट अ सेप्रोफाइट, इट्स अ पैरासाइट. कर लिया आप लोगों ने? एज इट अब्सॉर्ब्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द होस्ट प्लांट. तो ये स्टेटमेंट क्या सही है? स्टेटमेंट ही सही नहीं है तो क्या रीजन सही होगा? तो अब जरा ढूंढो ऑप्शन कौन सा आएगा. इज द करेक्ट आंसर. असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स. गुड. अब फटाफट समझ में आ गया कैसे करने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चंस. अब लेट्स सी हु इज आंसरिंग द नेक्स्ट. ओके, एन बी से हाथ खड़े होने शुरू हो गए. सेवेंथ है, आई एम गिविंग यू चांस. अगेन हाथ उनके खड़े हैं जिन्हें मैं अभी तक चांस दो बार दे चुकी हूं, बट देन दे आर द वंस
Seventh A, I'm waiting for you. Okay. You have also answered na first bench that boy. Beta aapne answer kar diya seventh A. Seventh A, sir hila do, nahi kiya ya haan kar diya. Seventh A, first bench, nahi kiya. Chal aa ja, bata phir kya answer. Acha. A, bread mold is saprobic fungus. Theek hai ji, bilkul sahi hai. Because bread mold feeds on the sugars present in the bread. Correct. A is the correct answer. A is the correct answer. Pat your shoulder, bacha. Achha jawab diya tumne. Good. Sit down. Seventh A. This point goes to seventh A. Okay, next question. Kaun aa raha hai? Kaun aa raha hai? ओके ये दो हाथ तो मुझे खड़े दिख रहे हैं. These two should get a chocolate. If we will meet physically somewhere someday, then definitely I'll give you chocolates. Seventh B, these two girls. हर क्वेश्चन में आपके हाथ खड़े हैं. आजा बेटा, one of you come out. One of you come out. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी. ऑप्शन डी क्यों? मैक्सिमम ग्रोथ ऑफ मशरूम्स अकर्स ड्यूरिंग रेनी सीजन. ये गलत है क्या? क्यों? तो ह्यूमिडिटी रेनी सीजन में ज्यादा नहीं हो जाएगा? मशरूम किस सीजन में ज्यादा मिलता है और सस्ता मिलता है? मिलता तो आजकल सब कुछ हर सीजन में है ना? सस्ता किस सीजन में मिलता है? किसी के पेरेंट्स हैं जो मशरूम वगैरह का बिजनेस करते हो, ग्रो करते हो? इट्स अ गुड बिजनेस है ना? यस, फर्स्ट बेंच, फर्स्ट रो, प्लीज कम आउट. सेवेंथ ही. बेटा ऑप्शन ए तो सेवेंथ बी ने भी बोला है. अब वही तो मैं पूछ रही हूँ क्यों. अच्छा ऑप्शन ए बोल रहे हो आप. सॉरी सॉरी सॉरी, उसने डी बोला था. ओके ओके, जस्ट गिव मी वन मिनट. ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. इज द करेक्ट आंसर. इजी टेक. ठीक है, अब थोड़ा बिजनेस तो हमें ग्रो करना पड़ेगा क्योंकि रेनी सीजन में मॉइस्चर सबसे ज्यादा होता है. और इवन तुमने देखा होगा, कुछ नहीं इधर उधर मत देखा करो, मशरूम ना, तुम लोग मशरूम जैसा स्ट्रक्चर तुम रेनी सीजन में हर जगह तुम्हें घर के आसपास भी मिल जाएगा, जहां पर भी हल्का सा मॉइस्चर हुआ. नो नीड टू क्रिएट एनी, मे बी दैट इज अ पॉइजनस और समथिंग. लक्कड़ के ऊपर भी उगना शुरू हो जाता है मशरूम. देखा है कभी बटन शेप्ड? अभी आपने नोटिस्ड? ओके, द नेक्स्ट वन कौन आ रहा है अभी? इंसेक्टिवोरस पे क्वेश्चन है. जल्दी जल्दी. सेवेंथ बी, ये अंगराइयां लेने का टाइम नहीं है हीरो. अगर अंगराइयां आ रही है तो सीधा क्या बताया था? स्ट्रेच योर आर्म्स लाइक दिस, दोज हु आर फीलिंग एंड दे. ठीक है, हां जी. सेकंड सेकंड बेंच, सेकंड लास्ट गर्ल कम. सेकंड बेंच, सेकेंड रो, द गर्ल कम आउट. क्वेश्चन पेपर में जो डूबी हुई है और हाथ खड़े कर रखे आपने, आ जाओ बेटा. हाँ जी बेटा. मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन डी, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ग्रो इन इनटू डेफिशिएंट रिटर्न. बेटा ये तो सही है, ये तो सही है, ये स्टेटमेंट सही है. ये सेकंड बेंच, सेकंड बेंच बेटा आ जाओ. द गर्ल हु ऑलवेज रेज हर हैंड. यस मैम ऑप्शन ए. ऑप्शन ए, प्लांट्स लाइक डानिया इज एन इंसेक्टिवो. बेटा जी रीजन है ये बताओ. स्टेटमेंट्स दोनों सही है. मैंने क्या बोला? बिकॉज करके देखो जरा.
आंसर विल बी ऑप्शन बी, द आंसर विल बी ऑप्शन बी, कि दोनों की दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन. अब यहाँ पे क्यों नहीं है, देखो ध्यान से, रीजन का क्या मतलब है, बिकॉज लगाकर देखो, क्या डायनिया जो है वो इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ये रीजन हो सकता है कि एंटू डेफिशिएंट एरिया में क्यों होते हैं. इंसेक्टिवोरस का क्या मतलब है, दे यूज टू विदड्रॉ न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इंसेक्ट्स, यही चीज है ना, कि ऑटोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो है ही है, इसके अलावा क्या है, नाइट्रोजन को वो विदड्रॉ कर लेते हैं, यही है ना इंसेक्ट से. तो रीजन ये लिखा होना चाहिए था दैट दे यूज टू गेट नाइट्रोजन फ्रॉम इंसेक्ट्स और द डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द इंसेक्ट्स, ये रीजन लिखा होना चाहिए ना, क्या ये रीजन में लिखा हुआ है, देखो जरा रीड करो. इफ दिस इज द रीजन रिटन ओवर देयर, आपने ऐसे ऐसे सॉल्व किया था, मैंने जो बताया था कि स्टेटमेंट के साथ लिख लो यहाँ पे बिकॉज, बिकॉज करके रीड करो, सही लग रहा है तुम्हें. दैट गर्ल ओनली कम आउट, जिसने भी आंसर बोला था ए वाला बेटा, वापस आओ, बिकॉज करके बोलो तो जरा. मैम प्लीज स्पीक अगेन. I said that whatever you know, whatever is written over there, you put because over here after assertion and then speak the whole sentence. Sorry. Insectivorous plant. Insectivorous plants grow in nitrogen deficient region because plants like Dinia is an insectivorous plant. अब बताओ क्या सही लग रहा है ये? Do you think it's correct? It's giving the reason. मैम नो. Yes. Now understood how to solve such kind of questions? यस मैम. Very good. Please be seated. Okay. Then last question of assertion reasoning is, ध्यान से देखो. कसकट्टा अब्सॉर्ब्स वाटर. कसकट्टा अब्सॉर्ब्स वाटर, मिनरल्स एंड फूड फ्रॉम द प्लांट्स ऑन विच इट ग्रोज. ऐसे ही होता है. कसकट्टा याद है, इट्स अ पैरासिटिक प्लांट, अमरबेल भी कहते हैं इसको, पीले रंग का होता है. द होस्ट प्लांट डाइज ड्यू टू स्टार्वेशन. ओके, लास्ट रो फर्स्ट बेंच, देयर इज अ बॉय फ्रॉम 7th B. अगर ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी. ऑप्शन बी करेक्ट इज द करेक्ट आंसर. वेरी गुड, पैट योर शोल्डर बच्चा, हैप्पी फॉर यू, गुड. हां जी, अब है तुम्हें स्टेटमेंट्स लंबी सी वो कंडीशनिंग गिवन है और ये आंसर मुझे 7th A से चाहिए. लेट्स सी कौन है 7th A का पहला वाला बच्चा जो उठकर आ रहा है और खुद ही कह रहा है कि मैम आई वांट टू गिव आंसर. देखते कौन उठकर आ जाते हैं 7th A में से. Parasite is an organism which grows on other living organism and obtain water. And obtain water. आजा बेटा आजा आजा. And nutrients from the host. A parasite only harms the host and does not provide any benefit to the host. बोलो बेटा. आंसर Answer. Do you think it's correct answer? Mycorrhiza हमने बेटा अभी पढ़ा था कहीं पे, और कम्युनिकेशन बोला था मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में, कम्युनिकेशन बताया था. कम्युनिकेशन वन साइडेड होता है या टू साइडेड होता है? कम्युनिकेशन वन साइडेड या टू साइडेड? टू साइडेड. लास्ट सेकेंड लास्ट बॉय, सेकेंड लास्ट बॉय फ्रॉम सेकेंड रो 7th A, कम आउट. हु इज हैविंग अ स्पेशल टाइप ऑफ हेयर स्टाइल, कौन सा कट कहते हैं इसको, मशरूम कट? नहीं, अच्छा चलो जस्ट जोक का पार्ट. हाँ जी बेटा. सी 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 में क्या कह रहा है, असर्शन ट्रू है रीजन फॉल्स है, ऐसा है क्या?
इफ फंजाई इज पैरासाइट ओवर देयर टू होस्ट प्लांट. अभी हमने देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पढ़ा है बेटा, उसको पढ़ना. हाँ जी, फर्स्ट पेंच. नहीं बेटा, आपने आंसर कर रखा है, आपने आंसर कर रखा है बेटो. सेकेंड सेकेंड रो सेकेंड बेंच, दैट बॉय कम आउट. हाँ जी बेटा, यस यस. डिड यू आंसर? इज द करेक्ट आंसर. नहीं, बी कैसे बोल रहे हो कि डी? बी फॉर बॉल की डी फॉर डॉग. ऐसे बोले जरा, 1 2 3 4 कौन सा? इज द करेक्ट आंसर. पैट योर शोल्डर्स दोस हु शोड मी फोर फिंगर्स. इज द करेक्ट आंसर. गुड, चलो. हाँ जी, तो अभी क्या है कि लास्ट वाले क्वेश्चन 7th थोड़ी सी आई है, बट विनर कौन है इस वर्कशीट की? 7th या 7B? नहीं, 7B में से दो माइनस भी तो हुए जो गलत आंसर्स दिए आपने. इस बार ना इक्वल वाला, ठीक है? तो अपने अपने लिए क्लैप्स करो, दोनों इक्वल उसकी है. 7A की क्लैपिंग सुन रही है, 7B तुम्हारी क्लैपिंग बस दिख रही है, सुनाई नहीं दे रही. जोर से स्टॉप. ओके, स्टॉप. अरे इतना एक्साइटेड, ये देखो थर्ड लास्ट बेंच पे तो इतना एक्साइटेड है कि बस उसने. वेरी गुड. चलो ओके, समटाइम्स ओनली दिस एक्साइटमेंट इज गुड, नॉट ड्यूरिंग द क्लास. राइट नाउ स्ट्रेच योर आर्म्स, हम नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज. शुड वी बिगिन? ओके, वेरी गुड. स्टैंड एट योर प्लेसेस ऑल ऑफ यू. All of you stand at your places. जल्दी से, 7A खड़ी हो गई, 7B खड़े हो जाओ बेटा. Stand wherever you are. Stretch your arms. ये एक तो पीछे, पता नहीं ये फर्स्ट बेंच पे कौन बैठा है. What is at back? Very good. अब थोड़ा ऊपर की तरफ स्ट्रेच करो. काउंट करो, 1 2 3. And then okay, by the count of three, you all will settle down. 1 2 3. Good. स्टार्ट करें. आर यू फाइंडिंग समथिंग रिटन ओवर हियर? माय फर्स्ट पीरियड स्टार्टेड. आर यू क्या लिख रहे हो? मैम आवर फर्स्ट पीरियड इज स्टार्टेड. इज स्टार्टेड. ओके ओके, जस्ट गिव मी 1 मिनट. इट्स ओके बच्चे, सो बाय फ्रॉम माय साइड. टेक केयर ऑल ऑफ यू. And in next, bye, ma'am. Just one homework for all of you. Just see, beta. Collect information about it. We will begin from here. Right? Bye. Bye, ma'am. Bye, ma'am.